शरीर की अपनी याददाश्त होती है जिसमें आपके अतीत की जानकारी होती है। अगर आप बस किसी का केवल हाथ भी पकड़ लें तो आप में ऋणानुबंध बन जाएगा। अगर आपने एक हद से ज्यादा शरीर की याददाश्त ले ली तो उससे एक तरह का कंफ्यूजन पैदा होगा। आप में से कई लोगों ने यह देखा होगा, किसी किसी दिन आपका शरीर कंफ्यूज्ड लगता है। तो इसे शुद्ध करने के लिए हमने कई सिस्टम बनाए हैं। थे उसकी जिसे ऋणानुबंध कहा जाता है, यानी कि एक तरह से शरीर की एक याद शरीर की अपनी याददाश्त होती है। आज ऐसे कई प्रयोग हैं जिनसे इनमें से कुछ बातें एक हद तक सिद्ध की जा सकती हैं। मान लीजिए आपके पिता, देखिए मैं बस उनसे ऐसी बातें कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगा आप बुरा नहीं मानेंगे। आपके पिताजी, मान लीजिए जब वो एक छोटे बच्चे थे उन्हें गोल चीजें पसंद थी, वो गोल कंकड़ से खेलते थे, हर तरह की गोल चीजों से। मान लीजिए उनको लेकर उनमें एक तरह का जुड़ाव पैदा हो गया। आप बड़े होकर बेवजह बिना जाने आपको गोल चीजें पसंद आने लगेंगी। शायद जब आप बड़े हो रहे हो आपको कंकड़ ना मिले तो आप कुछ और चुनेंगे, पर जो कुछ भी आप चुनेंगे आप अपने आप वैसी चीजें चुनने लगेंगे। ये बातें बिना किसी शक के साबित हो चुकी हैं कि ऐसे दोहराव होते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप में कुछ मात्रा में जेनेटिक सामग्री होती है। ऋणानुबंध यानी कि वो शारीरिक याददाश्त जो आपके शरीर में मौजूद है। ऐसा खून के रिश्ते की वजह से हो सकता है, ऐसा यौन संबंधों की वजह से भी हो सकता है जिससे शरीर में कुछ यादें होती हैं। ऋणानुबंध का मतलब केवल जेनेटिक या वंश की जानकारी का माता पिता से बच्चों तक पहुंचना नहीं है, उसकी बात नहीं है। शरीर की अपनी याददाश्त होती है जिसमें आपके अतीत की जानकारी होती है, न केवल इस बारे में कि आपकी त्वचा का रंग क्या है या आपकी नाक या शरीर की बनावट कैसी है या आपकी नस्ल, नहीं वो नहीं। ये कुछ ऐसा है, अगर आप बस किसी का हाथ भर पकड़ लें तो आपके अंदर ऋणानुबंध बन जाएगा। इसीलिए भारत में अगर आप आए तो लोग ऐसे करते हैं, वो ऐसे नहीं करते। Do that. We will love you like this. वो आपको ऐसे प्रेम करते हैं। और भी कई चीजें हैं, वो आपको कुछ चीजें नहीं देंगे। कोई भी आपको नमक नहीं देगा या आपसे नमक लेगा नहीं। अगर आप उन्हें नमक देना चाहें तो वो कहेंगे इसे यहां रख दीजिए, वो इसे आपके हाथों से नहीं लेना चाहते। तिल, वो आपके हाथों से तिल नहीं लेना चाहेंगे। कुछ प्रकार की मिट्टी होती हैं, कोई भी उसे आपसे नहीं लेगा। अगर आप किसी को मिट्टी देना चाहें, किसी भी तरह की मिट्टी, ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिसमें मिट्टी दी जाती है, हमेशा आपको उसे नीचे रखना होता है, दूसरा उसे वहां से उठा लेता है। उसे कभी भी किसी के हाथ से मत लीजिएगा वरना आप में ऋणानुबंध बन जाएगा। अगर आपने एक हद से ज्यादा शरीर की याददाश्त ले ली तो उससे एक तरह का कंफ्यूजन पैदा होगा। ये वाला कंफ्यूजन नहीं, ये कंफ्यूजन अलग होता है, वो आपकी अपनी कमाई है। बट फिजिकल कंफ्यूजन, इफ द बॉडी इज कंफ्यूज्ड, इट कांट कम टू ईज। शारीरिक कंफ्यूजन, अगर शरीर भ्रम में है तो इसे आराम नहीं मिल पाता। आप में से कई लोगों ने यह देखा होगा, किसी किसी दिन जब शरीर कंफ्यूज्ड होता है, आपने देखा है? आप कहीं भी बैठे ये बस दूसरे दिन आप बैठे हैं और तो
इसे शुद्ध करने के लिए हमने कई तरह के सिस्टम बनाए हैं। एक होता है अग्नि स्नान, वायु स्नान, वाकई, और हाँ, हर रोज जल स्नान। जब जानते हैं, जब मैं अपने अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई वाज इनटू लॉट ऑफ साधना, आई वुड हैव समवेयर बिटवीन 5 to 7 शावर्स अ डे। एक समय था जब मैं बहुत साधना करता था, मैं एक दिन में 5 से 7 बार नहाता था, क्योंकि आपका सिस्टम इतना संवेदनशील बन जाता है कि आप इस, अगर आप इस कुशन पर बैठे हैं तो अब आप जागरूक हैं कि ये कुशन आपके साथ क्या कर रहे हैं, तो आप नहा लेना चाहेंगे, कम से कम शरीर को पानी से गुजार कर। दिन में 5 से 7 बार, 7 बार रोजाना। दिस इज नॉट लाइक, ये ऐसा नहीं है कि मैंने गिन कर रखा है कि मुझे 5 से 7 बार नहाना है, जब भी इसकी जरूरत पड़ी। ज्यादातर योगी दिन में 2 बार नहाते हैं, कम से कम। आमतौर पर वो नदी में डुबकी लगाते हैं, कम से कम 1 बार आप बहते पानी में डुबकी लगाते हैं ताकि आप धुलकर साफ हो जाएं। जो लोग साधना कर रहे हैं, यहां तक कि आज भी आश्रम में किसी भी ब्रह्मचारी को एक ही जगह पर कपड़े नहीं धोने दिए जाते, हर कोई अपने कपड़े अलग अलग धोता है। इसलिए हम एक वॉशिंग मशीन नहीं लगा सकते कि सबके कपड़े एक साथ उसमें डाल दिए जाएं और धो लें, वो काफ़ी आसान होता, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो सब के सब साधना कर रहे हैं। And everyone has their own specific characteristics. और हर किसी के अपने विशेष गुण हैं। हम नहीं चाहते कि वो सब खिचड़ी बन जाएं, क्योंकि वो कारगर नहीं होगा। अगर हमें उन्हें मिलाना भी पड़ गया तो हमको हर धुलाई के दौरान उन पर मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी। शायद आपको ये ना पता हो, सारे सन्यासी, सारे के सारे साधु और सन्यासी हमेशा बहुत बारीक की हुई, छानी हुई मिट्टी से, लाल मिट्टी से अपने कपड़ों को रंगते हैं। ये पूरा आश्रम इसी रंग से पुता हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया है, ठीक है? मिट्टी और एक खास, क्या, एक खास गोंद जो पेंट की तरह चिपक जाता है। आश्रम की सारी इमारतों पर यही रंग लगाया गया था, और सभी साधु और सन्यासी जो इस रास्ते पर हैं, वो सभी लाल मिट्टी से अपने कपड़े धोते हैं, छानी हुई मिट्टी जिससे वो अपने कपड़े धोते हैं, तो इसीलिए ये लाल रंग आया है। तो या तो आपको अपने कपड़े अलग से धोने चाहिए, या फिर हर बार आपको उस पर मिट्टी लगानी चाहिए, ताकि आपका ऋणानुबंध, आपका इकलौता ऋणानुबंध सिर्फ धरती के साथ हो, आपके आसपास के लोगों या चीजों के साथ नहीं, बस धरती के साथ। वो ठीक होगा, अगर, क्योंकि अगर आप वैसे कपड़े पहने, यहां मटमैले शब्द का दूसरा अर्थ है, अगर आप मिट्टी में सने कपड़े पहने, नहीं नहीं मैले नहीं, लाल मिट्टी में डुबोए गए कपड़े, अगर आप वैसे कपड़े पहनेंगे तो एक तरह से वो शरीर को याद दिलाएंगे कि वो कहां से आया है और कहां जाएगा। तो जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, वो हमेशा छानी गई लाल मिट्टी में डुबोए गए कपड़े पहनते हैं। असल में वो सफ़ेद कपड़े हैं जो मिट्टी के रंग में रंग गए हैं, क्योंकि उन्हें लगातार फिल्टर्ड मिट्टी से धोया जाता है।